एक छंद हमने दिया था उसमें सब फिल्मों के नाम पड़े थे। बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ रब ने बना दी जोड़ी जोड़ी, मिजाज महाराज मुनराज ये सब फिल्मों के नाम थे उसमें। तुमने देखी नहीं कि कलाकारी में एक भी फिल्म का नाम आया? हम तो कह रहे को वो तुमने हम परशुराम बना दे, हम परशुराम बना दे, परशुराम तुमने बनाए, परशुराम वो बनाए सफेद चांद बारे में। बड़े बूढ़े आदमी है, वो रात भर लिखत रहेंगे तो बालक गावत रहेंगे। छंद का जवाब मो कोरो बामन मन जानो, महाराज हथियारन थे और वाते तो तुम ब्राह्मण लगी ना रे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे तो डीएनए खराब लग रहे हो हमें, क्योंकि हथियार तुम लादे फिरते हो इससे तुम छत्री लगते हो, और तिलक छापे लगाए डोलते हो इससे ब्राह्मण की शर्म है। तो हम दोनों की शर्म रख रहे हैं लक्ष्मण जी। एक तुक्का दिया था पूरन को, तो पूरन मासी है, पढ़ सकती पूरन मासी है, जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ अलग हो जाता है। चलो दादा तुम तो का कही जाए, अब जो आदमी सही शादी मर जाए तो आगे काला रोय हो जाए। दूल्हा कोई बनो दुल्हन लगो कोई और, भैया कह रहे वो तारा चंद गयो। अरे तुम्हें तो यही मालूम नहीं, जिस समय उर्जन सुरजन के लिए सीरियल की शादी तय करने आए तो जाहरवीर ने दोनों को लात मार के फेंक दिया, बीच में पटले पे बैठ गए और अपना तिलक जबरदस्ती करा लिया। बिल्कुल किया था। तुम कह रहे हो वह तारा चंद ते ब्याह है रो, आता ना जाता चुनाव चुन छाता। एक गीत भी गाया था हमने, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। कोई जवाब आया भैया? कोई ना आया भैया, कोई जवाब ना आया, ना आया हो ना, तो फिर काहे की रसिया बाजी है? यहाँ का दही पी बे आए तुम। जय सत्तो शर्मा का मंडल है, जय सत्तो शर्मा का मंडल है, कोई बीड़ी का मंडल नहीं है, सब धुआं पी कर गुड़ा दोगे। अभी तुमने गाया है कैसा गुरबर न मिलेगा वैसा सरवर ना मिलेगा तरवर ना मिलेगा, कोशिश करूंगा जवाब देने की। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे भैया हमारे का वो कन्हैया श्याम आता होगा, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि देवकी को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बेटे का नाम रखा क्या गया है। जिस दिन से चला गया कन्हैया कभी दोबारा नहीं मिला, और जेल में उसे कौन बता, अगर इतनी बात वो जान जाती कि श्याम आता होगा तो कंस वहीं सेना लेके पहुंच जा, तू ना पहुंच जा, तू ये बात मालूम ही नहीं है उसे। चलो ठीक है, उन्हें मालूम पड़ गई, नौकर खबर हमने भिजवाई सो मालूम पड़ गई हमें वहां का नाम श्याम है। अच्छी बात है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। रसिया तो तुम तो लड़ोना है, छंद में थोड़ी बहुत कोशिश करी अच्छी बात, अपनी बात तुमने एक अच्छी रखी है। एक गीत इसी नंबर पर ऐसा रखूंगा यहाँ की जनता देखेगी, और इसी नंबर पर फैसला हो जाएगा कि कौन का पलड़ा हल्का है और कौन का भारी है। अब ये छापे तिलक लगाई के अब जे ए सकल पारे से मौकी अब जे छापे और तिलक लगाए के करवे शत्रुन की हो करवे शत्रुन की हो अरे देख फरसा मोई और दिखा रहे प्यारे कांप रहे समझो
यो कह रहे मोए ऐसा ही पंडित मन जाने में दावत घाट डोल तू। तो सुनो परशुराम जी, कोरो छत्री हमें उमन समझो, तुम ऐसे ही समझ रहे हो। अरे कोरो छत्री मत हमको समझो, और हम करके आज फतेह जाएंगे, हम करके अरे हम करके आज फतेह जाएंगे। और तैयारी तो चलती क्या है, अरे जितने आए जनकपुरी में सब बोल राम की जय। लोक मेंबर देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये बल बालक से बोल रहे और ये बल बालक से तोले अरे रहे हो, अरे रहे हो, और आफत ले तुम ढोल पीठ केसरो ढोल रहे हो, पीठ केसरो ढोल रहे हो, ढूंढत फेरो दे पीठ केसरो ढोल रहे हो। और बजाओ वहां साहब, हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। और 100 रुपए कुमारपाल भीमसेन बघेल देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। भैया जी कह रहे वो कल्प वृक्ष जैसा तरुवर्ण मिलेगा, बाद में कह रहे किसन जैसा मुझको गुरुवर्ण मिलेगा। लाइन बहुत, चाहे कोई कैसा भी हो लेकिन गुरु के लिए मैं भी सर झुकाता हूं, आप भी सर झुकाते हैं, ये भी करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं, बोले बरही से ही लाना है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और सीता जी महाराज बिल्कुल शांति से बैठी हो, नी आसाराम बारी दफा में चालन करा दो जा तुम्हारो। सीता मैया कह रही हैं कि मेरी एक भूल है, अरे मेरे उस परिवार ने कर पूरी मांग दी। दीप बात टारन नहीं कहेऊ, अयोध्या में सीता की शादी होकर के आई, एक राक्षस रहता था। वशिष्ठ गुरु ने बताया, भैया ने कबाज बढ़ा दो, बाबूजी ने एक बढ़ा दो। हेलो, वशिष्ठ जी ने बताया कि शाम हो और सीता अपनी उंगली से चराग बुझा दे, उसी समय दशरथ बाण मार दे तो वो राक्षस मर जाएगा, वो राक्षस मर जाएगा। सीता को भी पता चला, लेकिन कौशल्या ने कहा नहीं, अभी मेरी बहू 2-4 दिन से आई है और मैं उससे कहूं कि तू ये काम कर रात को उठ करके, मैं नहीं कहूंगी। तो दीप बात टारन नहीं कहूं, मैं नहीं कहूंगी। और तब उन्होंने इंद्रदेव की मदद से उस राक्षस को मारा, उन्होंने सीता से नहीं कहा। तब वो सीता कह रही है आज मुझे बड़ा ख्याल आ रहा है, मैंने एक भूल कर दी क्या, अरे मेरे ही परिवार ने कर पूरी मांग दी,
और मुझसे भूल हो गई के बोरेखा लांग दी। मुझसे मेरे देवर कह गए थे मर्यादा मत लांगना, लेकिन मैंने मर्यादा लांग दी। अरे भूल हो गई मुझसे मर्यादा लांग दी, मर्यादा लांग दी। अरे ढूंढने से लक्ष्मण सा मुझे ढूंढने से लक्ष्मण सा देवर न मिलेगा, मुझे ढूंढने से लक्ष्मण सा देवर न मिलेगा। अगर जवाब हो रहा हो तो एक बार तालियों से बताइए कहां जवाब हो रहा है। हो रहा है भैया? और कहा कि देवर दिखा रहा तेरा त्रण धर ओट ये कहत जानकी और सठ सुत नाय रघुवीर बानकी। उसे कहा रावण अरे तेवर दिखा रहा मुझे तेरा तेवर किस काम का, तेवर दिखा रहा मुझे तेरा तेवर किस काम का। और मेरी सुन ले, और बेबर न मिले मुझको बे, अरे बेबर न मिले मुझको तो जेबर किस काम का। तो ये जेवर किस काम का, मेरा जेवर किस काम का। सिया को ढूंढने से सिया को राम जैसा, सिया को राम जैसा प्रियवर न मिलेगा, सिया को राम जैसा प्रियवर न मिलेगा। और ढूंढने से लक्ष्मण सा देवर न मिलेगा। एक और बात कह रहे भैया कि जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मैं जलता होगा। मैं तो सही बता रहा हूं कि मैंने तो धुन ये पहली बार सुनी है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। मेरा लाल आता होगा, कंस कह रहा है तू मुझे जानती नहीं है, तेरा लाल आता नहीं होगा। और इससे बढ़िया मैं हल्का जवाब नहीं देता, कंस यही जवाब देता होगा और यही कहा होगा जब देवकी ने कहा मेरा लाल आता होगा। सुन, अरे जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, और तेरा दिल तो चलता हो। भैया कह रहे कि जब होगी चौड़ी छाती मेरी, मेरा लाल आता होगा। तो कंस कह रहा किस लाल की बातें कर रही है तू? अरे बहना पट्ट हो गई कौड़ी तेरी, बहना पट्ट हो गई कौड़ी तेरी, ठोकर दर दर की खाता होगा।
जिस बच्चे की बात कर रही है वो आके मारेगा, अरे वो रोटी के लिए तरसता डोला होगा, नहीं तो तू मुझे बता कहाँ है, आज ही उसका इलाज कर दूं। बहना पट पड़ गई कौड़ी तेरी, ठोकर दर दर की खाता हो और जो भेजे हैं असुरों मैंने, ऐसे ऐसे भेजे मैंने, अरे जो भेजे हैं असुरों मैंने, जान उनसे बचाता हो। और सुन, जिस लाल की तू बातें करे मैं भी उस लाल को ढूंढता हूं, और के काल ढूंढता है दुनिया में सबको पर मैं काल को ढूंढता हूं। और मैं खुद काल को ढूंढ रहा हूं, अरे सुन के मेहमा, अरे सुन के मेहमा, सुन के मेहमा वो राजा कंस की, दिल में घबराता हो। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय कुमार सिंह जी ठाकुर साहब उनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अमर प्रेम के कच्चे धागे, फिल्म देखी होगी आपने अमर प्रेम और कच्चे धागे, देखी है आपने। अरे अमर प्रेम के कच्चे धागे, मत तोड़ो छक झोड़ी है, तुम मत तोड़ो छक झोड़ी है, और कन्या दान और विवाह होएगो और पुजे अबधे में होई है। ये 20 रुपए आलोक मेंबर साहब देते हैं, आशीर्वादी कामना करते हैं। हाँ गुरु। और ये बिना राज के तुम नाराज, ये बिना, अरे बिना राज के तुम नाराज, और सूर्य वंश के अलग मिजाज, और प्यारो ते ही करेंगे इलाज, प्यारो ढंग से करेंगे इलाज रे, प्यारो ढंग से करेंगे इलाज, क्रोध न जाए हे, प्यारो ढंग से करेंगे इलाज। साहब धुन बजाओ रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या। जयचरण प्रेमी जी
गांव सिलहरी वालों की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रब्बा, ओ रब्बा कोई तो बताए, रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। और अरे जैसा मुझे हो गया, हो जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। हनुमान चालीसा में बाद में एक दोहा आता है, राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुर भूप। यानी पता नहीं नाम कैसे कैसे हैं, 20 रुपए मांस देते हैं, 20 रुपए मांस। बेटा जो दे रहे धल ले, नाम मा ध्यान मन दे, तू दाम मा ध्यान दे, नाम तो सवेरे तक सब सही है जाएंगे। लेकिन यहां शंका हो गई चाचा, राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुर भूप। हाँ, हनुमान जी कह रहे हैं हनुमान चालीसा में, लेकिन यहां मामला अलग हो गया क्या। ओ भैया और ये आदरणीय राजवीर भैया जी पैगाम निवासी, उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ भैया, ओ भैया दिए हनुमत ने, ओ भैया दिए हनुमत ने, और वो बचन कहाँ गए। अरे भैया, अरे भैया दिए हनुमत ने, अरे भैया दिए हनुमत ने, फिर वो बचन कहाँ गए। और जब सुग्रीव ने ताना मारा, विभीषण ने ताना मारा, तो हनुमान जी ने सीना चीर दिया और उसमें दो मूर्ति देखती हैं। किस किस की मूर्ति देखती है? भगवान राम और सीता जी की। और उन्होंने वचन दिया है, ओ भैया दिए हनुमत ने, फिर वो वचन कहाँ गए। और राम सिया तो हृदय में, अरे राम सिया तो हृदय में, फिर वो लखन कहाँ गए। सबने सुनी और ये हमारे भैया राजेंद्र फौजी जी छाता वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। राजनीति, अच्छा अच्छा, सबने सुनी है बात हनुमान की, सबने सुनी है बात हनुमान की, या फिर बसते हृदय में मेरे राम लखन जान की, बसते हृदय में मेरे राम लखन जान की। और ये मन्नू चाचा छाता वालों की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बसते हृदय में मेरे राम लखन जान की, बात कैसे झूठी हुई हनुमान की, झूठी है हनुमान की, बात कैसे झूठी। अरे बसते हृदय में तीन मेरा मानो यकीन, वो बसते हृदय में तीन मेरा मानो यकीन। अरे राम सिया तो दिखे, ओ
बेटी तो दिखती है। अरे राम सिया तो दिखे उर्मिला सजन कहाँ गए, अरे राम सिया तो दिखे राम सिया तो दिखे उर्मिला सजन कहाँ गए। और राम सिया तो हृदय में हो, राम सिया तो हृदय में शायरे मैंने ये तेरा लड़ाया मेंबर देते। और ये रसिया बाजी नए, अरे गुलकंदे कटा कर ले रे आनंद के शायर लिख कर आगे छंद, शायर लिख कर आगे छंद, शायर लिख कर आगे छंद सभा में आगे लिख कर छल। और ये आदरणीय तेजपाल शर्मा जी LIC वाले, उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक चौक केवल रसिया का, उसके बाद हमारे फौजी भैया आए, उन्होंने 100 रुपया दिए। बोले यार कोई हमारी बात नहीं हुई तो मैं थोड़ी सी फौजी भाइयों की भी बात करूंगा। राजनीति का दंगल होता तो ये शाम से ही हो जाता, अब राजनीति अच्छी नहीं लगी, राजनीति में बदबू आने लगी है। सही मानो कह रहे उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी सौर सौर। सही कह रहे हो तुम, लेकिन मैं बेटा कछु ना है, मेरी सुन ले, मैं हूं सही कह रहा हूं कि बात मत बड़ी करो, बात मत बड़ी करो, चाहे बड़ो खाए ले और गलत तो ना कह रहो, बात मत बड़ी करो, चाहे बड़ो खाए ले ओ कोर, अरे चो पाँव फटके में देखो है। जो पाँव फटे में देख रहे, अब देखो मोहर धर के कौन गयो और जुगाड़ कोई और कर ले। अरे दाऊ जी की वो बेटी सुरेखा जाको पर रखो पर सो प्यारो, दाऊ जी की बेटी सुरेखा जा
को पर रंग पर सौ प्यारो। शायद आपने घटना सुनी हो, सुरेखा के लिए दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की शादी तय हुई और बारात पहुंची उससे ही पहले ले गया कोई। इधर से बारात पहुंच रही है द्वार पे, उससे पहले लड़की चली गई। अरे दाऊ जी की वो बेटी सुरेखा क्या को पर रघुबर सो प्यारो। और अभिमन्यु संग गई भाज्य सुरेखा, अभिमन्यु संग गई भाग्य सुरेखा, जे लक्ष्मण रह गयो क्वारो। सीरियल ऐसे जहर भी ले आए, अरे ऐसे ही नहीं ले आए। अरे सीरियल और तारा चंद का किस्सा ये गलत है कहना। और बाग नौलखा में जहर वीर से बाके पहले ही लड़ गए ने, पहले ही लड़ गए ने। सीरियल ते पहले ही मिल गए नैना, पहले ही मिल गए नैना। तारा चंद मोहर बांध के ऐसी कर बे आरो नरसिंह पाड़े गए थे। अरे बेटा जब साढ़े तीन भामर पर गई है जाहरवीर से, हाँ जिसकी शादी आदि हो चुकी है, तारा चंद का ऐसी कर बे जा रहे गुरु। पहले तो सपने में ही भामर देखी साढ़े तीन, फिर उनको पूरी करने के लिए गए थे जाहरवीर बाबा। अरे पहले ही लड़ गए नैना बाग में, पहले ही लड़ गए नैना बासुरियल के जाहर वीर से, पहले ही लड़ गए नैना। अरे पहले ही लड़ गए, अरे पहले ही लड़ गए नैना रे भैया, पहले ही लड़ गए नैना। नौलखा में बासुरियल के पहले ही मिल गए नैना, पहले ही मिल गए नैना। और ये आलोक मेंबर साहब की तरफ से फिर 50 रुपए आए हैं। के सोटा बारन को, ए रे सोटा बारन को मेरे भैया, रे सोटा बारन को, ए रे सोटा बारन को ये लेख लिखो है प्योर। अरे सोटा बारन में ये लेख लिखो है प्योर। अरे चौपाए फटे में पेखेर। और एक देश की चीज, हमारे फौजी जवान बैठे हैं और यहाँ के न जाने कितने फौजी होंगे, हम सबकी भावनाओं को देखते हुए ये गीत हमारे पीछे से भी आवाज आ रही है। एक कोई देश की बात हो जाए, एक देश की बात